हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कंबक्शन एंड फ्लेम। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ मैं कंबक्शन को डिस्कस करूंगी, फ्लेम के लिए नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। ये क्लास 8th का है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कंबक्शन। ठीक है, कितने टाइप की कंबक्शन होती है, कौन कौन सी कंडीशंस है जो ज़रूरी होती है कंबक्शन के लिए। ठीक है, और जो आग लग जाती है वो क्यों लगती है और उसको आप कैसे जो है एक्सटिंग्विश कर सकते हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं ये सब डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट है कंबक्शन। होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा जब लकड़ी जलती है, ठीक है, लकड़ी जलती है तो क्या होता है, आपको हीट मिलती है, आपको लाइट मिलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है और वो लकड़ी जलकर क्या हो जाती है, राख हो जाती है। ठीक है, अब वो जो लकड़ी जली है तो वो कैसे जली, वो जली आपकी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब आप वुड को जलाते हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलता है, ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। और ये क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब इरिवर्सिबल का क्या मतलब हुआ कि इसको आप जो ऐश बन चुका है, जो राख बन चुकी है, उससे आप दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और जब भी कंबक्शन होता है उस टाइम पे हीट और लाइट जो है वो ज़रूर से ज़रूर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस विद ऑक्सीजन और नॉट, इट इज़ ऑफ टू टाइप। भी कौन से सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या है कि बर्न होते हैं, और कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन होते हुए भी बर्न नहीं होते, तो इस ऐसे सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में जो है डिस्टिंग्विश कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होंगे, जो क्या है जलने लग जाएंगे। ठीक है, बट ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो अपने आप जलने शुरू हो जाएगी, नहीं। ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं फ्यूल बोल सकते हैं इनको हम। एग्जांपल में जैसे लकड़ी है, लकड़ी फ्यूल के रूप में हम यूज़ करते हैं, राइट, वैक्स, कोल, पेट्रोल। तो ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, जो क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलते हैं और आपको हीट एंड लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हुए भी नहीं जलते। ठीक है, जैसे स्टोन, पत्थर हुआ, ग्लास हुआ, कोई प्लास्टिक हुआ, ठीक है, अगर वो ऐसे पड़ा है तो वो जलना तो शुरू नहीं कर देता ना, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, डू नॉट बर्न विद ऑक्सीजन, नॉट रेफर्ड एज फ्यूल, आप इनको फ्यूल नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल में स्टोन, ग्लास, प्लास्टिक एट्सेट्रा, राइट। तो ये है डिफरेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कि कंबक्शन जो जलती है, जो सब्सटेंस जलते हैं उनके लिए कौन सी कंडीशन जो है वो ज़रूरी होती है, राइट। अब जो जो भी सब्सटेंस जलेगा, ठीक है, तो एक तो नंबर वन कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, जैसे वुड हो गया, ठीक है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया, क्योंकि जब आप वुड को जलाओगे तो क्या हो, हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, तो ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ज़रूरी है कंबक्शन के लिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो जो आपको गैस जो है उसको हेल्प करेगी जलने में, वो गैस का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस जो है वो जलना शुरू करता है, और हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो जलना शुरू करता है। ठीक है, हर सब्सटेंस का कंबस्टिबल जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी का लो होता है, किसी का हाई होता है, कुछ क्या है कि थोड़ी सी आप उसमें तीली लगाते हो तो 2 मिनट में जल पड़ती है, राइट, किसी को आपको कितना करना पड़ता है तब जाके उसमें आग लगती है। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर कि उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो है, हाई है, मिडल है, कैसा है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोलियम इज़ लोअर दैन दैट ऑफ कैरोसिन। कैरोसिन से पेट्रोलियम का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लोअर होता है,
कहने का मतलब ये है कि केरोसिन के कंपैरिजन में पेट्रोलियम जल्दी जलने लग जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू हीट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट कैन स्टार्ट बर्निंग। और आपको उस सब्सटेंस को उसका इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीट देनी पड़ेगी, सो उसके बाद ही वो जलना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि अब अगर आपके घर में पेट्रोल या केरोसिन पड़ा है तो वो अपने आप जलना शुरू कर देगा, नहीं। जब तक कि आप उसको सब्सटेंस को उतनी हीट प्रोवाइड नहीं करोगे कि तब जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जलना जो है उस टेम्परेचर तक वो सब्सटेंस ना पहुंच जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जिनका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो फायर को जल्दी पकड़ लेते हैं एंड स्टार्ट बर्निंग विद द फ्लेम, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जिनका टेम्परेचर क्या होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, फायर जल्दी पकड़ लेता है, जैसे पेट्रोलियम हुआ, ठीक है, केरोसिन हुआ, तो इनमें क्या है कि आग जल्दी लग जाती है, इसीलिए इनको स्टोर जो है एक स्टोर करने का तरीका जो होता है वो इनका अलग ही होता है। ये नहीं है कि इनको आप खुले में छोड़ दोगे, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पकड़ लिया उसमें थोड़ा सा उसको गिरा दिया या आग के पास गया तो वो क्या है कि ब्लास्ट हो सकता है। तो इसमें बहुत स्पेशल केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सो दैट कि ये फायर जो है इजीली कैच ना कर पाए, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की एंड राइट अमाउंट ऑफ हीट इन ऑर्डर टू कंबस्ट। यानी दो चीज़ों की ज़रूरत हुई, ऑक्सीजन होनी ज़रूरी है एंड जो राइट अमाउंट ऑफ हीट है वो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट कि वो अपना इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचे और वो जो सब्सटेंस है वो जलना शुरू हो जाए, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, राइट। फिर उसके बाद आता है कि क्या डिफरेंस है कंबस्टिबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बीच में। अब देखो, इनफ्लेमेबल का मतलब भी यही हो गया कि वो जलता है, ठीक है। कंबस्टिबल का मतलब भी क्या हो गया, जो ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं और हीट और लाइट प्रोवाइड कराते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस है, देखो, एनी सब्सटेंस दैट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलेंगे। अब जैसे लकड़ी हुई है, ठीक है, आप उसको जलाओगे तभी वो जलेगी, ऐसे पड़ी पड़ी लकड़ी जो है वो आपस अपने आप नहीं जलती। टाइप ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट बर्न इजिली, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इसमें इग्निशन टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम वेरी लो टू हाई, इसमें लो से हाई की तरफ जाता है इग्निशन टेम्परेचर, और इसमें टेम्परेचर जो है बहुत ही लो होता है। डू नॉट नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली। अब जैसे लकड़ियां हैं हम कहीं पे भी रख देते हैं, ठीक है, कपड़ा है, पेपर है, हम कहीं पे भी रख देते हैं, बट अगर आप पेपर को भी जलाओगे तो वो आग पकड़ लेता है ना, बट इनको क्या है कि स्टोर जो है केयरफुली रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दे कैन कैच फायर ईजिली, सो नीड टू स्टोर केयरफुली लाइक पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल। अगर आप इनको आग के पास रख दोगे तो इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत लो होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो है ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कंबस्टिबल एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर जब आग लग जाती है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। फॉर फायर देर आर थ्री एसेंशियल कंडीशन फॉर कंबक्शन, जब आग लगती है तो उसके लिए भी तीन कंडीशंस होती है, वो आग क्यों लगती है। सो इफ वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। अगर जो आग जल रही है, ठीक है, उसको बुझानी है आपको तो क्या करोगे, बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस एंड द सराउंडिंग एरिया। ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से आग लग सकती है तो क्या करो, अगर आपको बचना है कि भी वहाँ पर आग ना लगे, तो ऐसे जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको उस जगह से और उसके जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ से उसको दूर कर दो। सेकंड है बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ आग लगी हुई है वहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, क्योंकि आपको पता है कंबक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो जो वो आग है वो आगे ना बढ़ेगी ना फैलेगी। थर्ड पॉइंट है लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग ऑब्जेक्ट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो उस कंबस्टिबल का सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर है, अगर उसको आप लो कर दोगे तो भी क्या है आपकी आग जो है वो बुझ सकती है। तो ये तीन मेथड है जिसकी वजह से आप फायर को जो है कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फायर इज जनरली एक्सटिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। अगर आग लग गई है तो उसको आप कैसे
जो है बुझा सकते हो, कैसे उसको कम कर सकते हो। फर्स्ट है बाय स्प्रेइंग वाटर। अगर आग लगी हुई है तो आप क्या करोगे, पानी डालते हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा है जब आग लग जाती है तो क्या करते हैं, उस पर पानी डालना शुरू कर देते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं ना, जो बड़े बड़े पाइप लेकर वो फिर वाटर जो है वाटर स्प्रे करते हैं, जिससे जो है आग जो है बुझ जाती है। क्यों आग क्यों बुझ जाती है, क्योंकि जो पानी है वो उसका कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर जो है लो कर देता है। ठीक है, अगर वो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वो जो आग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। द वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू हीट ऑफ फायर कट द सप्लाई। जैसे ही वाटर वेपर आएंगे, ठीक है, आग के ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा तो क्या है कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, जो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी आग जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है, और जब भी आग बिजली की तारों की वजह से लगती है तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, पानी से वो आग आप नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी में जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी आग जो है आपको करंट भी लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी आग जो इलेक्ट्रिसिटी से लगती है उन पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों, वाटर शुड नॉट बी यूज फॉर एक्सटिंग्विश ऑयल फायर, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। अगर जैसे किसी ऑयल की वजह से अगर लगी है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री में लग जाती है, वहाँ पर भी आपका पानी जो है वो काम नहीं आता, क्योंकि ऑयल फॉर्म अ थिन लेयर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। पानी की लेयर के ऊपर वो एक थिन लेयर बना लेता है एंड फ्लो विद द वाटर, सो दैट स्प्रेडिंग फायर टू लार्जर एरिया। अब आपने ये कई बार सुना होगा, नीचे से जो तेल के कुएं हैं उधर पानी की सरफेस के ऊपर वो लेयर आग की हो जाती है, अगर उधर आप तिल लगाते हो तो वो जलने लगता है, और ये बोला जाता है कि भी पानी में आग लग गई, पानी में आग लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो ड्यू टू द थिन लेयर ऑफ ऑयल ओवर द वाटर, उसकी वजह से ऐसा होता है। सेकेंड है बाय स्प्रेइंग हाईली वोलेटाइल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड CCL। ठीक है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर आप जो फॉर्मेशन है अगर वो भी स्प्रे करते हो तो उससे भी आपकी आग जो है वो बहुत जल्दी बुझ जाती है। उससे क्या है, जो एयर की सप्लाई है वो जो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर एक मेथड है फोमाइट फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है कि जो एयर की सप्लाई है वो कट कर दी जाती है बाय लाइट फायर प्रूफ लेयर ऑफ फोम। फोम की एक जो फायर प्रूफ लेयर है वो छिड़क दिया जाता है, जिसकी वजह से एक फोम की लेयर बन जाती है, उसका ऑक्सीजन से सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो आग है वो बुझ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक आज मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है आपको कंबक्शन के बारे में। फ्लेम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।